इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जेंडर के जो चेंज करने के रूल्स हैं, अर्थात रूल्स ऑफ चेंजिंग जेंडर, अर्थात लिंग बदलने के नियमों के बारे में बताएंगे। आज बेटा आप लोगों को जेंडर चेंज करने के अर्थात लिंग परिवर्तित करने के दो नियमों के बारे में बताएंगे। अगले पीरियड में आपको बाकी नियमों के बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा? तो देखिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग जेंडर अर्थात लिंग बदलने के नियम। पहला नियम क्या है? कुछ मैस्कुलाइन पुल्लिंग एवं फेमिनाइन स्त्रीलिंग जेंडर की स्पेलिंग, जिसको कहते हैं वर्तनी, अलग अलग होती है। अर्थात जो संज्ञा शब्द हैं, है ना, संज्ञा शब्दों में जो मैस्कुलाइन है अर्थात पुल्लिंग है, उनकी स्पेलिंग अर्थात उनकी वर्तनी या उनकी हिज्जे, और फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग की वर्तनी या हिज्जे अलग अलग होती है, ठीक है बेटा? और उनकी स्पेलिंग को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक, तब आपको पता रहेंगे। यहाँ देखिए एग्जांपल उदाहरण, ये मैस्कुलाइन जेंडर का खंड ये है, फेमिनाइन जेंडर का खंड ये है, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए। तो पहला देखिए बी ओ आर बॉय, बॉय ने इसका हुआ जी आई आर गर्ल, गर्ल ने इस तरह। देखिए यहाँ पर बॉय की स्पेलिंग अर्थात वर्तनी और गर्ल की स्पेलिंग अर्थात वर्तनी अलग अलग है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। फिर देखिए अगला है फादर, ए ओ टी एच आर, फादर, फादर यानी पिता, इसका ए ओ टी एच आर मदर, मदर यानी माता, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। इस तरह देखिए और भिन्न भिन्न वर्तनी वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? एस ओ एन सन, सन यानी पुत्र, और इसका हो जाएगा डी ए यू जी एच टी आर, डॉटर, डॉटर यानी पुत्री। इस तरह हस्बैंड, एच यू एस बी एन डी हस्बैंड, हस्बैंड यानी पति, और उसका फेमिनिन हो जाएगा डब्ल्यू आई एल यू वाइफ, वाइफ यानी पत्नी। इस तरह बी यू डबल एल बुल, बुल यानी बैल, इसका फेमिनिन हो जाएगा सी ओ डब्ल्यू काऊ, काऊ यानी गाय। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संज्ञा शब्द हैं, है ना, जिनमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के जो वर्तनी है, स्पेलिंग है, वो अलग अलग है। जैसे बेटा डी ओ जी डॉग, डॉग है ना कुत्ता, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा बिच, बी आई टी सी एच, बिच, बिच यानी कुतिया, बहुत बढ़िया। इस तरह किंग, के आई एन जी किंग, किंग यानी राजा, उसका फेमिनाइन जेंडर होगा क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, ठीक। इस तरह और होगा ब्रदर, बी आर ओ टी एच आर, ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, और उसका हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर सिस्टर, एस आई एस टी ई आर, सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। इस तरह अंकल, यू एन सी एल ई, अंकल, अंकल यानी चाचा, काका, मामा, फूफा, ताया, ये होता बेटा अंकल अंग्रेजी में, उसका हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर आंटी या ऑन, ए यू एन टी, ऑन, ऑन यानी चाची, मामी, फूफी, काकी, ये होता है, ठीक है बेटा? इस तरह सर, एस आई आर सर, सर यानी महोदय, इसका हो जाएगा मैडम, ए ए डी ए एम, मैडम, मैडम यानी महोदया, है ना। इस तरह हॉर्स, एच ओ आर एस, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, इसका हो जाएगा मेयर, एम ए आर ई, मेयर, मेयर यानी घोड़ी। तो बेटा ऐसे बहुत सारे संज्ञा शब्द जो जिसके जो कि मैस्कुलाइन जेंडर के जो है उनकी स्पेलिंग और फेमिनाइन जेंडर के जो है उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो बेटा आपको उसकी सूची को याद कर लेना है, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, ताली बजा लीजिए एक बार। चलिए अब रूल नंबर टू अर्थात दूसरा नियम देखे क्या है। मैस्कुलाइन जेंडर के अंत में ई डबल एस या डबल एस या केवल एस जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। देखिए जैसा कि यहां नियम बताया गया है कि मैस्कुलाइन जेंडर अर्थात पुल्लिंग शब्द के अंत में ई डबल एस या डबल एस या मात्र एस जोड़ करके हम उसको फेमिनाइन जेंडर में बदल लेते हैं। यहां एग्जांपल देखेंगे, ये मैस्कुलाइन जेंडर और ये फेमिनाइन जेंडर। तो यहां देखिए बेटा पी ओ एटी पोएट, पोएट यानी कवि, पोएट यानी कवि, यहां पोएट में ई डबल एस जोड़ा गया, देखिए तो क्या हो गया पोएटस, पी ओ ईटी ई डबल एस, ई डबल एस जोड़ा गया यहां पर पोएटस, तो पोएटस हो गया कवित्री। इस तरह
PRINCE प्रिंस, प्रिंस एन होता है राजकुमार, इसका हो जाएगा PRINCE। यहां देखिए प्रिंस तो है ही, यहां केवल डबल एस जोड़ा गया है, तो देखिए क्या हो गया, प्रिंसेस, प्रिंसेस एन राजकुमारी। इस तरह एम्परर, EMPEROR, एम्परर का मतलब होता है शासक, या जो शासन करते हैं ना राजा लोग, हाँ वो शासक, इसका हो गया एम्प्रेस, क्या हो गया एम्प्रेस, EMPRE SS एम्प्रेस। इसमें बेटा ये ओ आर को हटा करके EEE जोड़ दिया गया है, इसका मतलब होता है शासिका या महिला शासक। इस तरह टाइगर, TIGER, टाइगर, टाइगर यानी बाघ, इसका EEE, देखिए यहाँ का अंत का जो ई है उसको याद कर दिया गया है, TIGER, टाइग्रेस, ठीक, टाइगर यानी बाघिन। इस तरह एक्टर, ACTOR, एक्टर, एक्टर यानी अभिनेता, है ना, जो लोग एक्टिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं, है ना, जो अभिनेता, एक्टर यानी अभिनेता, इसका हो गया एक्ट्रेस, ACTRES, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। इस तरह मिस्टर, MISTER, मिस्टर, मिस्टर यानी श्रीमान, इसका हो गया MISTER, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी श्रीमती। अगला है मास्टर, MASTER, मास्टर, मास्टर यानी उस्ताद, यानी किसी चीज में महारत हासिल या दक्ष व्यक्ति को हम उस्ताद कहते हैं, उसका हो जाएगा मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी उस्ताद महिला, यदि कोई महिला किसी चीज में दक्ष है तो उसे हम उस्ताद महिला कहेंगे। अगला है होस्ट, HOST, होस्ट, होस्ट यानी मेजबान, मेजबान किसे कहते हैं, जो मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, मेहमानों की आवभगत करते हैं, उन्हें हम होस्ट कहते हैं या मेजबान कहते हैं। और उसका हो जाएगा होस्टेस यानी महिला मेजबान, अर्थात जो महिला है और यदि वो मेजबान है, मेहमानों की अगवानी कर रही है या मेहमानों का स्वागत कर रही है, तो उसे हम कहेंगे होस्टेस। इस तरह हंटर, हंटर यानी शिकारी, HUNTER, हंटर, हंटर यानी शिकारी, इसका हो जाएगा HUNTER, हंट्रेस, हंट्रेस यानी शिकारी महिला, यदि कोई महिला है वो शिकार करती है जंगली जानवरों का, पशुओं का या पक्षियों का, उसे हम क्या कहेंगे, हंट्रेस कहेंगे। इस तरह ऑथर, AUTH, और ऑथर, ऑथर यानी लेखक, इसका हो जाएगा AUTHORES, ऑथरेस, ऑथरेस यानी लेखिका, अर्थात महिला लेखक। तो इस तरह बेटा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें हम SS या EEE जोड़ करके हम उसको फेमिना जेंडर बना सकते हैं। समझ में आप लोगों को, जानकारी अच्छी लगी, ताली बजाइए। Oh,